फाइनली दोस्तों आज है फ्राइडे और फ्राइडे को कुछ एक खास तो जरूर पेश करेंगे। खास क्या है, आज खास है एक ऐसा कीबोर्ड जो कि कॉसीबाइट के बजट रेंज में वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कीबोर्ड है। यहाँ तक दोस्तों हम आए कैसे, यहाँ तक ऐसे आए कि ये सब जो है आपकी मेहरबानी से आए। एक्चुअली हमने जब शुरू किया था आपने रिकमेंड किया एक मिड रेंज कॉसीबाइट का कीबोर्ड, फिर करते करते प्रीमियम भी गए, आज देखिए करते करते जो है आपके गाइडेंस और आपके सुझाव के अनुसार हम एक ऐसे कीबोर्ड पर आए हैं जो कॉसीबाइट ही नहीं अमेजोन के अंदर भी वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट जो है कीबोर्ड के अंदर आता है। और आपको जो है इस एपिसोड के लास्ट में ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो कीबोर्ड है ये किन के लिए सही रहेगा और क्या ये जो कीबोर्ड है ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं। वैसे बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से हमें कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे दोस्तों जो मेरे से छोटे भाई बहन है या फिर मेरे से जो बड़े सर मैडम है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है ना वो आपके लिए सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन हमारे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है क्योंकि हमें जो है अनबाइज्ड रिव्यूज रखने के लिए, अनबाइज्ड एपिसोड्स बनाने के लिए कीबोर्ड खुद से खरीदना पड़ता है। तो ये जो मॉनिटरी दिक्कत है इससे हम तभी निकल सकते हैं जब हम सब लोग साथ में मिलकर इस चैनल को बढ़ाएं, और आपका एक छोटा सा एफर्ट इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ज्यादा न करते हुए आज जानते हैं सीवीजी के 20 ट्रिक्स की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, ओवरऑल प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है। 600 रुपए के आसपास का ये जो कीबोर्ड है, ओवरऑल जो है पैकेजिंग इसकी कैसे रहने वाली है, तो दोस्तों अच्छी रहने वाली है। ब्लैक एंड ऑरेंज थीम में, जैसे कि कॉसीबाइट का हर कीबोर्ड होता है उसी थीम में पैकेजिंग देखने को मिलेगा। सामने जो है प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिल जाएगा, पीछे जो है प्रोडक्ट के हाईलाइटेड फीचर्स और वेलोसिटी गेमिंग ग्रुप का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। चलिए बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं इसमें कैसा दिखता है कीबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच टू गॉड मोड। As expected, सबसे पहले बोल्डली आपको जो है कीबोर्ड देखने को मिलेगा। कीबोर्ड निकाल लेते हैं। Oh my God, जिस प्राइस रेंज में ये कीबोर्ड आता है ना, उस प्राइस रेंज के हिसाब से मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा जो है हाथ के अंदर फील मिल पाएगा। अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पर वेट देखने को मिलता है। कीबोर्ड के अलावा बॉक्स में कुछ भी और एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है, ना कोई कीकैप पुलर मैकेनिकल नहीं है, तो देखना भी नहीं चाहिए तो सही है यहाँ पर, लेकिन एक यूजर मैनुअल तक नहीं है। वैसे आपको जो है यूजर मैनुअल की जरूरत क्या है, आप वीडियो देख लो, आपको पूरा यूजर मैनुअल का आ जाएगा। ऐसे बॉक्स में भी छोटा छोटा अगर समरी में चाहिए तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप वीडियो को लाइक करके रख लो, आपके काम आ जाएगा। फाइनली जो है हम कीबोर्ड को रिवील करते हैं एंड स्टेल ब्लैक कलर में। वाओ, लुक एट दिस कीबोर्ड, 600 रुपए का, किसी को जाके बता दो कोई विश्वास नहीं करने वाला। ये जो कीबोर्ड है आपको कम से कम 1200-1500 के आसपास का रेंज का दिखता है। ओवरऑल क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां पर देखो आपको सस्पेंडेड कीकैप्स देखने को मिलेगा जो कि मैकेनिकल जैसा एक्चुएशन दे रहा है, और साथ ही क्या आपको यहां ब्रांडिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे स्विच टू गॉड मोड कॉसीबाइट का जो स्लोगन है वो देखने को मिल रहा है। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको रबर पैडिंग देखने को मिल जाएगी दो, और इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिल जाएगा जिसकी हाइट भी अगेन अच्छी खासी है। हिंज भी ओके है, सही है, और जो सस्ते कीबोर्ड आते हैं उनसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर रबर की ग्रिपिंग देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हुई है। 600 रुपए में आपको अच्छी कीबोर्ड चाहिए तो कहीं कहीं तो कंपनी अपना भी कॉस्ट कटिंग करेगी। ओवरऑल जो है कीबोर्ड का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है, 65% में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसका जो वेट है ना वो करते ही बनेगा। तो फाइनली दोस्तों अब करते हैं इस कीबोर्ड का वेट, 436 ग्राम। अब ये जो वेट है 600 रुपए के एक कीबोर्ड में आ रहा है, इसका एक ही सीधा मतलब बनता है कि अगर आप हार्डकोर गेमिंग वगैरह करोगे इस कीबोर्ड के ऊपर तो ये कीबोर्ड जो है टस से मस नहीं होने वाला, और बहुत सारे जो है इसके अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। तो चलो बहुत हो गई इस तरीके से टॉप व्यू वाली बातें, अब करते हैं सामने सीधी बातें। तो चलो भाई लोग अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस पर जो है सबसे ज्यादा कीबोर्ड पे एम्फेसिस देना चाहिए या सबसे ज्यादा जो है उसी के ऊपर पैसे निकाले जाते हैं, वो है कीकैप्स और स्विच सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कीकैप्स की। यहाँ पर जो कीकैप्स आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ABS प्लास्टिक का, डबल इंजेक्शन वाला देखने को मिल रहा है, पास थ्रू वाला देखने को मिल रहा है। रात को गेमिंग वगैरह करोगे तो बढ़िया से जो है आपको हर एक अल्फाबेट हर एक नंबर जो है साफ साफ दिखने वाला है। साथ ही क्या स्क्रैच रेजिस्टेंट जो है आपको यहाँ पर कीकैप्स देखने को मिल रहा है। स्विच सिस्टम की बात करें, रबर डोम कह लो या मेम्ब्रेन कह लो, वही वाला सिस्टम मिल रहा है यहाँ पर। और साथ ही क्या यहाँ पर जो है कीकैप्स आप निकाल सकते हो, तो रखरखाव में बहुत ही आसान हो जाएगा। एक कीकैप पुलर निकाल लो, या आपके पास पड़ा होगा तो वो उठा लो या खरीद लो, बहुत ही सस्ता आता है, तो उससे आप जो है इसके कीकैप्स को हटा सकते हो, बढ़िया मेंटेन कर सकते हो और ओवरऑल इसका लाइफ स्पैन जो है काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। वैसे कंपनी का दावा है कि 10 मिलियन की स्ट्रोक्स लाइफ स्पैन इस कीबोर्ड के ऊपर कहीं नहीं गए। अब मेम्ब्रेन स्विच है, मैकेनिकल तो है नहीं, लेकिन फिर भी साउंड आपको सुना के जाऊंगा।
बात करें दोस्तों एक और मुद्दे की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कीबोर्ड के सिलसिले में, वो है फंक्शनैलिटीज। दोस्तों जिस पैसे में ये कीबोर्ड आ रहा है आपके पास उसमें कितनी फंक्शनैलिटी, भर भर के फंक्शनैलिटी दोस्तों, कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यहां पर आपका कीबोर्ड जो है विंडोज लॉक बटन से इक्विप्ड मिल जाएगा, हालांकि प्रिंटेड नहीं है लेकिन मैं पर्सनली चेक कर चुका हूं विंडोज लॉक बटन जो है काम करता है, गेम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही क्या आपको यहां पर 6 कीज के ऊपर एंटी घोस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। कौन एक है कि यहां पर आपको एन की रोल ओवर देखने को नहीं मिलता, जो कि इस बजट रेंज में वाजिब है कि इस बजट रेंज में एन की रोल ओवर देखना मुश्किल ही है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से देखने को मिलता है, इनफैक्ट नहीं देखने को मिलता। और क्या यहां पर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब ये कि जब आप गेमिंग वगैरह करोगे, जो भी एक्शन आप लोगे, जो भी कीज आप यहां पे प्रेस करोगे, वो तुरंत के तुरंत जो है रजिस्टर होंगे, यानी कि अल्ट्रा फास्ट रिस्पांस टाइम आपको मिलेगा हार्डकोर गेमिंग के वक्त। दोस्तों आप बात करेंगे इस कीबोर्ड के ओवरऑल रंगीनियों की, तो आप पूछोगे भाई 600 रुपए में क्या रंगीनियां मिलेगी, तो मैं क्या ही बताऊं, ये जो कीबोर्ड है 600 रुपए के आसपास आती है, तो यहां पर जो है आपको रंगीनियां निराश नहीं करेगी लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। कलर का जो ओवरऑल सैचुरेशन है, जो वाइब्रेंस है, जो ब्राइटनेस है, वो कॉस्मिक्स की तरफ से टॉप नॉच कराया गया है, बहुत ही अच्छा काम है कॉस्मिक्स की तरफ से। लेकिन जो लाइटिंग मोड्स है वो आपको ऑब्वियसली जो है जोन लाइटिंग देखने को मिलेगी, उसके ऊपर दो मोड्स मिलेंगे आपका, एक जो है ब्रीदिंग वाला मिल जाएगा, एक स्टैटिक मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए एक सवाल होगा कि क्या इसके लाइट को बंद कर सकते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, आप इसके लाइट्स को बिल्कुल बंद कर सकते हो। कीबोर्ड किससे पावर लेगा, कीबोर्ड पावर लेगा भाई साहब इसके लंबे 1.5 मीटर पीवीसी केबल से। अब ये जो पीवीसी केबल है अच्छा खासा क्वालिटी के साथ आता है, 1.5 मीटर है, इसका मतलब क्या आप नीचे कैबिनेट रख लो, ऊपर कीबोर्ड रख लो, आपको कोई जो है दिक्कत नहीं आने वाली, वायर मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। तो भाई अब फाइनली मैंने जो है डायरी हटा दी है, अब बात आएगी आपकी और मेरी, सीधी बात होगी, क्या ये कीबोर्ड अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है, ये कीबोर्ड किन के लिए है? तो भाई लोग जो स्टूडेंट वगैरह हो, गेमिंग वगैरह करते हो, ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है इस वक्त, ज्यादा जो है बजट खर्चा नहीं करना चाहते हो कीबोर्ड के ऊपर, लेकिन गेमिंग वगैरह जो है कैजुअल करना चाहते हो, उनके लिए 1000 हर्ट्ज के साथ पोलिंग रेट वाला ये जो कीबोर्ड है मैकेनिकल का फील जरूर दिला देगी, क्योंकि सस्पेंडेड लुक के साथ आता है, मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो ये कीबोर्ड जो है वैल्यू फॉर मनी मेरे तरफ से ठहरता है, क्योंकि ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी भी है, हालांकि प्लास्टिक के ऊपर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सॉलिड जो है बिल्ड क्वालिटी, रॉक सॉलिड आपको हाथ में लगेगा। इनफैक्ट 500-600 रुपए का कीबोर्ड ये कहीं से नहीं लगने वाला, कम से कम ये जो कीबोर्ड है 1200-1300 का लगता है। वैसे इस कीबोर्ड का जो बॉक्स में प्राइस है, जो एमआरपी है, वो 999 का है, लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं चुकाने वाले हो आप, आपको चुकाना है अमेज़न से 500 रुपए, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो वहां पर जो प्राइस दी गई है वो 600 रुपए की है। दोनों का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूं वो आज के डेट के हिसाब से है। आप जागो और एक अवेयर कंज्यूमर बनो, और साथ ही दोनों लिंक को क्लिक करके चेक करो कि कहां जो है प्राइस आपको सबसे सही देखने को मिल रहा है, वहीं से खरीदो। और एक बार आपने कीबोर्ड खरीद लिया तो प्लीज मुझे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindiaofficial पर शेयर करना, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा सुझाया हुआ कोई भी गैजेट, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, वो कैसा दिख रहा है आपके डेस्क के ऊपर।